शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। गृह मंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। वह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। साथ ही अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया के समर्थन में पोरबंदर में रैली की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इस कदम से कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। पिछले 5 वर्षों में खून की नदी तो दूर, किसी ने वहां पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। पीएम मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया। जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब कोई भी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर जाता था और यहाँ बम विस्फोट को अंजाम देता था। जब पाकिस्तान ने पुलवामा और उड़ी में हमला किया तब वे भूल गए थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 10 दिनों के भीतर पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की मिट्टी से आतंकवाद को ही खत्म कर दिया। इस दौरान शाह ने रैली में मौजूद लोगों से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भी अपील की है।